ना जी जी अभी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सखर करोना आइसोलेशन सेंटर के बाहर। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम, हम लाइव आए हुए हैं पेज के ऊपर, बता दें क्या सिचुएशन चल रही है। क्या सिचुएशन ये है, खाना जो है अब इस तरह के बॉक्स किया जा रहा है ताकि लोग अच्छे तरीके से खा सकें, और जो खाने वाने की वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखें पैकिंग अब हो चुकी है, रात के खाने की चल रही है बहुत स्पीड में। रात के खाने में क्या क्या दे रहे हैं भाई? यार भाई मुझे यहाँ से एक बॉक्स उठा के देना भाई। देखें रात के खाने में ये आज चिकन कोरमा है, इसमें इस तरह से बनवाया है, और कोशिश यही है, ये लीजिएगा भैया, कोशिश यही है कि भाई वो जो शिकायत थी खाने की कि भाई खुले आसमान के नीचे पड़े रहे वहाँ पर ताफ्तान में और फिर यहाँ पर जो भी, तो हमने कल रात से सिंध गवर्नमेंट के कहने पे खाना अपने जिम्मे लिया है और कोशिश कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कहा है खाने के पैसे वही देंगे, लेकिन इसको मैनेज जेडीसी कर रहे, तो जेडीसी कल रात से तो मैनेज कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, आज चिकन कोरमा तैयार हो रहा है। और इसके अलावा जर्दा तैयार हो रहा है, ये जर्दे की देखें, जर्दे की देखें, देख तो ये ना, ये देख रहे हैं, खाने के साथ जर्दा भी दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ जर्दे के अंदर जो मेवा जात डाले जा रहे हैं, ये तमाम चीजें अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक घंटे के अंदर अंदर ये खाना तैयार हो जाएगा, और मज़ीद देखें भी रेडी हैं, बस चूल्हे पर चढ़ती जाएंगी, जो उतर रही हैं इनको कोयले पर रखा जा रहा है। ये देखें ये सब रेडी हो गई हैं, देखें ना इनको अब, ये देखें ये सब देखें रेडी हैं, इनको कोयले पर रख दिया गया ताकि इनको थोड़ा और वो हो जाए, तोहफे वगैरह भी लग गए, और मज़ीद सामान भी आ रहा है। ये रोटियां आना शुरू हो गई, ये रोटी आ रही है, ये क्या रोटी है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रोटियां आना शुरू हो गई हैं, क्वालिटी की और एक नंबर चीज़ बना रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आपको तबीयत खुश हो जाएगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, और खाने की क्वालिटी बहुत बेहतर कर दी गई है। और सुबह नाश्ते के लिए देखें भाई जैम की बोतलें आना शुरू हो गई, हर बंदे को एक डबल रोटी ब्रेड और एक जैम दे दिया जाएगा। ये देखें इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ नेशनल कंपनी का जैम, ये डेली रोज़ाना एक बोतल दे रहे हैं, इसलिए बोतल का साइज़ जो है वो एक आदमी जितने जो होता है वो लिया है। और इसी तरह से लकड़ियाँ जलाने के लिए आ रही है वो तो लिए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन लकड़ियाँ भी ली हुई हैं, क्योंकि अगर बारिश वारिश होती है तो भी सिलेंडर यूज़ करेंगे, दो ट्रक लकड़ी बड़ा बनाया हुआ है, तमाम किस्म के मसाले मौजूद हैं। अच्छा अच्छा बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि आप इनको अच्छा खाना क्यों दे रहे हैं, आप इनको सिर्फ सूप दें जूस दें, भाई एक बात समझिए, जो लोग यहाँ पर हैं वो मुतासिर नहीं हैं, उनको तो बस वो एक ऐसे मुल्क से आए थे, कोई ईरान से आया है, कोई सऊदीया से आया है, कोई उनको उस अकेले तनहा रखने के लिए इन जगहों में शिफ्ट किया गया कि अगर उनमें कोई भी चीज़ हो तो वो जरासीम हो तो उसको देखा जाए। और दूसरा ये कि सबके टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है उनको फिर अलग किया जा रहा है, लेकिन इनको भी एहतियातन 14-14 दिन सबको रखा जा रहा है यहाँ पर। तो लोग तो वही आपके और हमारी जैसी फैमिली वाले लोग हैं भाई, अब जिनको नहीं है क्या उनको भी खाना अच्छा नहीं मिले, बेचारे पहले 20-22 दिन घर वालों से दूर हैं। और ये वो जगह है
जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सब एहतजाज हो रहा था, अब ये सब मामला पुरमन हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा था कि भाई खाना वाना हमने तो पहुँचा दिया था 12:15 बजे, लेकिन वो अंदर कोई नया रूल आया था कि अब कोई बाहर से वॉलंटियर्स नहीं आएंगे, तो जो मज़हबी तंजीमें अंदर काम कर रही थी या दीगर तंजीमें सियासी तंजीमें, उनको बाहर निकाल दिया गया था। और खाना शायद अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने में लेट हुआ, जिसकी वजह से अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर वो सब लोग बाहर आ गए। मैंने सुना अब शायद खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अंदर, और सब जो भी तंजीमें अंदर बांट रही थी वो सब अंदर दोबारा से बांट रही हैं। लेकिन एक चीज़ का अफसोस है, मैं सुनने में आ रहा है कुछ पॉलिटिकल तंजीमें इन सब चीज़ों के ऊपर सियासत कर रही हैं, कहीं कोरोना मुतासरीन पे, कहीं मज़हबी हवा दे रही हैं, कहीं इस मर्ज़ को फ़िरका वारियत की शक्ल दे रही हैं। बड़ी अजीब बात है, पॉलिटिकल तंजीमों को जेब नहीं देता ये कि वो किसी मुसीबत में, लेकिन चाय भी तैयार हो रही है, कितने बड़े बड़े चूल्हा है वो लगे हुए। और जी तो बस वही सब हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर, लेकिन हल हो गए शायद, जो अंदर तंजीमें हैं जिनकी ज़िम्मेदारी दिखाना बांटना उनके और इंतज़ामिया के, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में 1 घंटे में रात का खाना रेडी हो जाएगा। नहीं, ये जो लोग आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, हम ये उस सेंटर से बहुत दूर हैं, हम उस सेंटर की हदूद से बहुत दूर हैं। ये जो तीसरी चेक पोस्ट है हम उसके भी बाद हैं, हम बाहर की तरफ हैं ताकि हमें मूवमेंट करने में आसानी हो। और चूंकि हम अंदर नहीं जाते, हम सिर्फ सामान वहाँ तक पहुँचा देते हैं, बस ये इतनी अपनी जिम्मेदारी, हमारे लोग वो एहतियाती तदाबीर फिर भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि सलाम वालेकुम। कितने लोगों की चाय बना रहे हैं अंकल? 1000 लोगों की चाय। अच्छा, तो अभी इसमें उबाल आने में टाइम है, आ चुका है अभी 10-15 मिनट। हिलाएं दिखाएं तो शक्ल कैसी बनी इसकी कुछ? ये उबलेगी तो। अच्छा, इसमें 5-10 मिनट हैं अभी, 10 मिनट हैं। चले माशाल्लाह से खाने का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है, कुछ लोग घर में बैठ के मनफी मैसेज चला रहे हैं, क्यों अच्छा खाना खिला रहे हो इन लोगों को। भाई ये हमारे और आप जैसी फैमिलीज़ हैं, कुछ दीगर ममालिक से आए हैं, इन लोगों को क्या मालूम था कि जिस ममालिक में हम आइए है, वापस आने के बाद ये अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से 15 दिन 20 दिन 25 दिन दूर रहेंगे, और इनको थोड़ी मालूम था इनको उठा के, ये तो बायर गए थे दूसरे मुल्कों में, जब ये लोग बाय रोड आए तो इनको किसी को ताफ्तान, किसी को कहीं, तो इनके तो वहमो गुमान भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर भी भरपूर तमाम चीज़ें हमने पहुंचा दी हैं, बस अफसोस इस बात का है, लोग इन लोगों को जो बेचारे पर भी सियासत कर रहे हैं घरों में बैठ के, भाई आप काम करने आ जाएं सही, हम बोल रहे हैं नहीं आओ क्योंकि यहाँ मुश्किल है आपके लिए, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो काम करने दो भाई। अदनान 3 किलो बहुत है। आए मैं आपको दिखाता हूँ आज के पैकेट किस तरह बनेंगे। आए देखिए ये पैकेट बनना शुरू हो गए। अच्छा रोटी आज पैक होकर आई है? जी जी, बस सही है, 2-2 रोटियां है ना, उसमें डल जाएंगी थैली में। जी जी, थैली है, सलाद। अच्छा, भी है। ठीक है, सलाद है और जर्दा है, जर्दा है, कोरमा है, रोटी है। बेहतरीन, बहुत अच्छा है। सलाद के भी देखें पैकेट बने हुए, बहुत अच्छा है। अच्छा कि प्याज नहीं डाली यार, प्याज में बदबू आ जाती है। और दूध भी रखा हुआ है, कस्टर्ड बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए जैम आ चुके हैं सुबह नाश्ते के लिए, ब्रेड आ रही है, तो ये सिलसिला इस तरीके से जारी है। आप तमाम देखने वालों से बोलूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि लोगों के इल्म आए किस तरीके से कोरोना मुतासरीन या कोरोना सेंटर जो है आइसोलेशन, उसके लिए अंदर के लोग हैं। एक बार फिर बता दूं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इन लोगों को अच्छा खाना क्यों दे रहे हो, तो मेरी उनसे गुजारिश है, भाई ये लोग कोई इसके अंदर पॉजिटिव वाले थोड़ी हैं, इनको तो क्वारंटाइन किया जा रहा है कि भाई आप लोग आए हैं कैसे मुल्क से, तो आप लोग यहाँ रहे हैं सेफ्टी मेजर्स के तहत, जिनके टेस्ट हो गए हैं और उनको आया कि इनको निगेटिव है, उनको भी यहाँ रखा हुआ है, तो क्या उनको भी
राइट नहीं है कि वो खाना खा सकें जो बेचारे अपने घरों में खाते थे। अब वो हर बंदा अजीब व गरीब मैसेज कर रहा होता है, यहाँ पर हमने अपने आराम करने के लिए ये टेबल लगाई हुई है, और कि उन लोगों से कि जो लोग ये बार बार बोलते हैं कि भाई इन लोगों को आ रहा है या इन लोगों से क्यों इस तरह की बातचीत की जा रही है, तो इनको क्यों कायदे की चीज़ें खिला रहे हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई ये कोरोना मुतासरीन का अलग से सेंटर बना हुआ। ये वो लोग हैं जो गए थे बैरून ममालिक वापस आए, तो ये तो इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, यहाँ पर लोग हैं अपना 14 दिन पूरा कर रहे हैं, तो उनको अच्छा खाने का राइट क्यों नहीं है यार। आपसे बात भी करेंगे, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ और खाना अपने टाइम से पहले हम पैक करके दे देंगे। जी सर, चाय आ रही है, चाय अभी आ जाती है, चाय बस तैयार है आखिरी मराइल में। ओके सर, सिलसिला ये है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चाय ये तमाम चीज़ें सब चीज़ें चल रही हैं, और दिन में भी उनको खाना हमने 12:30 बजे दे दिया था, और अंदर उन लोगों ने वॉलंटियर्स जो हैं जो तंजीम अंदर काम कर रहे हैं उनको दिया, तो उन लोगों का आपस में फिर इस बात करें गुजारने थे, तो फिर उसके बाद जब अंदर खाना डिले हुआ तो लोग बाहर आए, तो फिर उसके बाद इनके और खाना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इतनी है खाना बनाना और यहाँ दे अंदर लेकर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारी बाउंड्री है। अफसोसनाक बात यह है कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक सियासी तंजीम बाकायदा सियासत कर रही है, ये लोग उन मुतासरीन को खाना अच्छा खिला रहे हैं, तो आप इन लोगों के खिलाफ, मतलब बहुत अजीब और गरीब सूरत है, लोग सियासी पार्टियाँ इस मुसीबत में भी सियासत कर रही हैं, ये अफसोस का मामला। जिनकी फैमिलीज यहाँ हैं हम उनको यकीन दिलाते हैं कि उनको बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन कर रहे हैं। बात करें ठीक ठीक, आए मैं आपको दिखा, ऊपर कपड़ा रखने मेरे ख्याल में चाय है। क्या वो तैयार हो गई चाय? अच्छा जफर भाई जी, मेरे ये केमिकल की फैक्ट्री है, सीमेंट आप देख रहे हैं ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। अभी मैं आगे से वो पोलिट्री वालों की जो है ना फैक्ट्री है, मैं करता हूँ, तुम देख रहे हैं ना, ये अभी देख रहे हैं ना, गैस की शेल भी नहीं आती स्मेल, मैं कर रहा हूँ। चाय तैयार हो रही है। अच्छा, इसके अलावा तमाम फैमिलीज़ को अंदर दे दी गई हैं इलेक्ट्रिक कैटल, चीनी पत्ती दूध, तो तमाम चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो रहा है, अपने टाइम से पहले रेडी हो जाएगा, और इसी के साथ साथ नाश्ता भी दे दिया जाएगा ताकि सुबह ये लोग नाश्ता कर सकें। इस वक्त जर्दे की पैकिंग का सिलसिला जारी है, और थोड़ा हरे थी, जर्दा भी पैक हो रहा है, खोया भी उसमें डल रहा है, और उसके अलावा सालन भी तैयार हो रहा है। खाना इंशाल्लाह अपने टाइम से पहले आज भी पहुंचा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। यहाँ पर दूर है ये, जैसे सेंटर का गेट वो आगे वाला है, वहाँ से बहुत दूर है जेडीसी दस्तरखान। कब तक आ जाएंगे पंखे? बहुत स्पीड में पैकिंग हो रही है। कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा भाई काम? एक घंटे में पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पैकिंग पे बंदे और बढ़ाएं ना। थैंक यू। अच्छा
अच्छा गुड है, गुड है। मार्केट खुलवा रहे हैं, जेडीसी को पंखे दे रहे हैं 10 पंखे। गुड है, गुड है। जी मैं बोल रही हूँ जी, सियासी पार्टियां फेक न्यूज़ चला रही हैं, ठीक है। यहाँ तो काम करने आए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। और वो सियासी पार्टियां जिनको हम कोई बात बोलते हैं, तनकीद करते हैं, उनको बुरा लगता है, तो वो अपने सोशल मीडिया से इस वक्त ज़ायरीन के ऊपर रख के सियासत कर रहे हैं। लेकिन खैर, हम तो अपना काम, और यहाँ सिलसिला जारी है। अभी इंशाल्लाह 1 घंटे में पैक हो जाएगा रात का, और ये खाना सर्व कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह अब जब खाने की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है तो आपको दिखाते हैं। और खाना हमारी कोशिश ये होगी कि 7 बजे हैंडओवर कर दें, उसके साथ सुबह की ब्रेड और जैम भी दे देंगे, ताकि लोगों को सुबह प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रिक कैटल सबके पास है, और उसके टी बैग हैं, और दूध है, सब चीज़ें, ताकि सुबह नाश्ता खुद बना लें। बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे यहाँ से। शुक्रिया।